पूछ सकते हो। ध्यान देना, थोड़ा सा हम टॉपिक बता दे रहे हैं, गौर करना क्या क्या हम बताए हुए थे, एक प्रीव्यू दे रहे हैं, ठीक है। यदि कहीं से आपको पूछने का होगा तो आप पूछ लोगे। और आज जो है आपको एक असाइनमेंट मिलेगा, एक होमवर्क मिलेगा फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर से, वो आपको कंप्लीट करना है। यदि जो क्वेश्चंस नहीं बनेगा तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। तो देखोगे क्लास में ये फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर जो है इसमें क्या क्या बताया गया है। जैसे फोर्स का डेफिनेशन बताया गया था, है ना। और फोर्स दो तरह क्या, फोर्स के बारे में बताया गया था, कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स का भी एग्जाम्पल बताए हुए थे, खासतौर पर फ्रिक्शन के बारे में बताए थे, टेंशन के बारे में बताए हुए थे, है ना, मस्कुलर फोर्स के बारे में बताए थे। नॉन यस कॉन्टेक्ट फोर्स में बताए थे ग्रेविटेशनल फोर्स, सर, मैग्नेटिक मैग्नेट फोर्स, और इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फोर्स। फोर्स, इसका एग्जाम्पल वगैरह हम लोग पढ़े हुए थे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन ये बताए हुए थे, इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स क्या क्या चेंजेस ला सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट में, इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स। फिर प्रेशर के बारे में जब आए तो प्रेशर में पहले, सबसे पहले सॉलिड प्रेशर के बारे में बताया गया था, और प्रेशर का फॉर्मूला क्या बताया गया था, थ्रस्ट बाय एरिया, मतलब हाँ, परपेंडिकुलर बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, एरिया। है ना। फिर प्रेशर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए थे कि जैसे जहां पे हमको ज्यादा फोर्स चाहिए होता है, ज्यादा फोर्स चाहिए वहां पे एरिया कम होता है, और जहां पे हमको प्रेशर जहाँ क्या बोले कि प्रेशर जहां पे ज्यादा चाहिए होता है एरिया वहां पे कम रखते हैं, है ना। और जहां पे प्रेशर कम चाहिए होता है ना, तो वहां पे एरिया ज्यादा रखते हैं, है ना। जैसे बताया हुआ था कि कोई भी बैग वगैरह हम लोग जो टांगते हैं, जो स्ट्रैप होता है उसका जो स्ट्रैप जो होता है वो वाइड होता है, एरिया बड़ा होगा तो क्या होगा, कम प्रेशर अप्लाई करता है ना। तो इस तरह के कई क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। फिर लिक्विड प्रेशर के बारे में बात किए हुए थे, है ना, कि लिक्विड प्रेशर जो है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। फॉर्मूला बताए हुए थे, एच जी बताए हुए थे, एटमोस्फेरिक प्रेशर बताए हुए थे, एटमोस्फेरिक प्रेशर का एप्लीकेशन बताए थे कि किन किन चीजों पे यूज हो सकता है, ठीक है। एटमोस्फेरिक प्रेशर के बारे में बताए हुए थे, लिक्विड प्रेशर। अच्छा, ठीक है। तो कहीं यदि दिक्कत है कुछ, यदि पूछने का है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर मूव करेंगे फिक्शन, ठीक है। तो देख लो कोई टॉपिक किन्हीं को यदि पूछने का है, कोई क्वेश्चन ना, जैसे आपके पास जो भी बुक रहा होगा तो वो बुक में यदि कोई भी डाउट यदि है, कोई क्वेश्चन पढ़े होंगे, यदि कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाउ डर बताइए, कोई भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं। सर, एक क्वेश्चन हाँ चलो बोलो। है सर। एक फिगर है, वो स्क्रीन पे दे सकते हैं? क्या बोले, फिगर सर, एक फिगर के साथ क्वेश्चन है, उसको स्क्रीन पे दे सकते हैं? हाँ, दो सर, यहाँ लिख रहा है होस्ट डिसेबल अटेंड स्क्रीन शेयरिंग। क्या नाम है आपका? मयंक। मयंक, रुक जाओ, तो नहीं दिख रहा है आपका स्क्रीन। सर, यहाँ पे लिख रहा है होस्ट डिसेबल अटेंड स्क्रीन शेयरिंग। हम स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहे हैं, होस्ट हमको अलाउ करेंगे तब होगा। कैमरा ऑन कर लो। यस अच्छा, सर, मेरा भी कर रहा। नहीं हो रहा है ना। अच्छा देखो हो रहा है ना, ठीक है। एक फिगर है, पैराशूट वाला शायद फिगर है ना। यस सर, सर ठीक है, मेरा बुक पैरा, में भी है। हाँ ठीक है, पैराशूट आप बोल भी सकते हैं। और क्या है क्वेश्चन? सर, बी वाला। हाँ हाँ क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो ना, वो प्रिंट से बड़ा करना होगा, उससे अच्छा आप पढ़ के सुना दो।
विल द मैन कम डाउन विद द सेम स्पीड विदाउट द पैराशूट एक्सप्लेन क्या पैराशूट से कोई भी आदमी जैसे नीचे की ओर आ रहा होता है तो क्या सेम स्पीड से आता है? नो सर। नहीं, तो उसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा होता है कम हो रहा होता है? सर बढ़ रहा होता है, बढ़ रहा होता है सर। सर ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से बढ़ता है? नहीं, देखो क्या है, जब पैराशूट लेके कोई यदि जंप करता है कोई भी एरोप्लेन से, ठीक है, तो पैराशूट सबसे ऊपर बहुत ऊपर वो नहीं ओपन करता है, जब वो जंप करता है तो नीचे जब आता है, ठीक है, तो जब नीचे आता है तो उसमें उसका वेलोसिटी बढ़ता है। किस रेट से बढ़ता है? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब हर सेकंड में उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर जाता है। हम बताए हुए हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में, है ना? तो जब वो नीचे की ओर जंप करता है तो उसका वेलोसिटी बढ़ रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो पैराशूट ओपन करता है, खोलता है, पैराशूट खोलने से क्या होता है, वहां पे क्या होता है, एयर, एयर फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, एयर फंसता है वहां पे, जिस कारण से उसका वेलोसिटी क्या होता है कि जिस रेट से बढ़ रहा था पहले, अब उसका उस रेट से नहीं बढ़ता है, अब वेलोसिटी क्या होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है, और धीरे धीरे कम हो जाता है, और धीरे वेलोसिटी कम होते होते मान लो कि नीचे की ओर आता है, ठीक है, तो वेलोसिटी पहले के कंपैरिजन में क्या होता है, वेलोसिटी उसका कम हो जाता है, है ना? ये आंसर होगा उसका, ठीक है? ओके सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? एस चैम में ये क्वेश्चन था? नो सर, स्कूल के बुक में। अच्छा ठीक है, जो भी बुक है, और आप लोग के पास बुक जैसे आ गया होगा तो आप देख सकते हो, आप बुक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो है तो आप देख लो, पूछ सकते हो, है ना? देख लीजिए, अभी हम 5 मिनट्स का टाइम दे रहे हैं, आराम से जितना भी क्वेश्चन पूछने का है पूछ लो, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में मूव कर रहे हैं। देख लीजिए, पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है? बुक है कि नहीं? है सर। हाँ, तो बुक है तो आप देख लो, है ना? देख लीजिए, पूछ सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आराम से बुक देखो, क्वेश्चन कोई क्वेश्चन यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, इवन आपको पहले से ही देख के रहना चाहिए, डाउट पूछने के लिए फटाफट डाउट पूछना चाहिए, है ना? तो चलो कोई नहीं, आप फटाफट देख के अपना क्वेश्चंस वगैरह पूछते जाओ जो बच्चे हैं सो, और नहीं पूछोगे तो आगे हम बढ़ जाएंगे। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो सर। नहीं, पढ़ो उसको, रीड, पढ़ो। बोलिए। नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव ग्राउंड लेवल इन योर हैंड्स। डिस्कस व्हाई द फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। क्वेश्चन थोड़ा फिर से रिपीट करना, हम स्टार्टिंग वाला पार्ट अच्छे से सुन नहीं पा रहे थे, फिर से रिपीट करोगे? Name the force acting on a plastic bucket containing water held above ground level in your hands. Discuss why the force acting on the bucket do not bring a change in its state of motion. ध्यान देना, जैसे कोई बकेट है, बकेट को पानी के अंदर रखा गया है ना, ऐसा ही है क्वेश्चन ना? सर बकेट में पानी है। बकेट में पानी है और सर मैं स्क्रीन पे देख,
अच्छा तो सर स्क्रीन शेयर नहीं हो पाएगा बिकॉज हमने स्क्रीन शेयर को लॉक करके रखा है, इसीलिए बड़ा प्रोडक्ट नहीं हो रहा है। तो क्या स्क्रीन शेयर करना है, ऑन कर दूं क्या? यस सर, हाँ यदि देख ले क्वेश्चन तो बढ़िया होगा। ओके मैं कर दे रहा हूँ, कुछ देर सर 10 मिनट के लिए कर दीजिए, बच्चे जब तक डाउट्स क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, है ना? चलिए अश्विन से हटाते हैं, आप कर सकते हैं, बस 10 मिनट के लिए। हाँ दिखाओगे, किनका डाउट था बोलोगे जी? रेडिए सर, स्क्रीन पे रेडिए क्वेश्चन नंबर बताओगे? 8 क्वेश्चन है, नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव ग्राउंड लेवल इन योर हैंड, डिस्कस व्हाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। चलो ठीक है, क्वेश्चन एक आसान ही क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दिया है देखो, देखोगे एक बकेट है, सपोज ये बकेट है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि बकेट को क्या किया, अपने हाथ से होल्ड किए हुए और कहां पे है, अर्थ सरफेस से ऊपर, ठीक है, आप पकड़ के रखे हुए, जब पकड़ के रखे हुए हो तो कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है ये आपको बताना है, और दूसरा ये बोल रहा है कि यहाँ पे जब फोर्स एक्ट कर रहा है तो यहाँ पे मोशन मोशन में चेंजेस क्यों नहीं आ रहा है, या ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों नहीं है, ठीक है। तो देखो हम क्या बोले हुए थे कि कोई भी यदि ऑब्जेक्ट है तो हर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की ओर खींचती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं, वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। और इवन ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट पर, जो फोर्स लग रहा है कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम बोलेंगे कौन सा फोर्स लग रहा है बकेट पे, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, मस्कुलर फोर्स, क्योंकि उसको होल्ड करके हम रखे हुए हैं। तो ध्यान देना, यदि इस बकेट जो फुल ऑफ वाटर है, पानी से भरा हुआ है, मान लो ये 2 kg का है, 2 kg का मतलब इसका वेट बोल सकते हैं 20 N, या फिर हम W वेट का फॉर्मूला भी बताया होते हैं, W = mg, यदि मास 2 kg है, बकेट जो पानी से भरा हुआ है पूरे का, यदि मास यदि 2 kg है, जी का वैल्यू लिया 10, कंपनी का 20 N, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बकेट पर नीचे की ओर कितना लग रहा है, 20 N, जो उसके वेट के बराबर है, और वो नीचे नहीं जाए इसके लिए क्या किया, हम पकड़े हुए, मतलब हम ऊपर की ओर कितना फोर्स लगाए, 20 N, मतलब मस्कुलर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में मान लो कि 20 N लग रहा है, और नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, 20 N, मतलब यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स को मस्कुलर फोर्स क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, और बैलेंस्ड फोर्स के कारण कभी भी मोशन में चेंजेस नहीं आता है, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में चेंजेस नहीं आता, मतलब बकेट यदि रुका है तो रुका रहेगा, और यदि मूव कर रहा है तो मूव ही कर रहा है। तो भाई बकेट जैसे है, नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा है, ऊपर की ओर सेम अमाउंट का फोर्स लग रहा है, तो बैलेंस फोर्स हो, इसे यहाँ पे मोशन में कोई चेंजेस नहीं हो। क्वेश्चन समझे और क्वेश्चन के आंसर समझिए, ये बताओगे हर एक कोई, यदि ठीक है, और क्वेश्चन देखो, जो भी डाउट है अपना फटाफट डाउट देखो अपने बुक से, डाउट सेक्शन ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम पढ़ा के निकल गए, क्या पढ़ाए नहीं पढ़ाए सब देखते रहते, इतना समझे नहीं समझे, जब आप क्वेश्चंस करते हो, आप क्वेश्चंस से जब रूबरू होते हो, तो अब आपको पता चलता है कितना थ्योरी आप समझे हुए, है ना? तो इसलिए घर में आप आराम से, आपके पास जो बुक है, अवेलेबल बुक है, इवन श्रीवास्तव क्लासेस का नोट्स और मॉड्यूल भी जो है, स्टडी मटेरियल यदि ऐप में नहीं डाउनलोड हुआ है, अपलोड हुआ है, तो हम बोल देते हैं अपलोड कर दिया जाएगा क्वेश्चन प्रेशर का, ठीक है, उसमें हो गया है कि नहीं हुआ है, फोर्स एंड प्रेशर का है नोट्स उसमें,
अच्छा हम देखते हैं, ठीक है। किन्हीं को डाउट है तो देखो अपने बुक। क्वेश्चन पूछना है देखोगे? नो सर। नो मोर क्वेश्चंस? नो सर। चलो ठीक है, ठीक है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन, है ना। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्या, फ्रिक्शन। देखो देखोगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर फ्रिक्शन। ध्यान देना, फ्रिक्शन क्या है, जो आप इवन फोर्स एंड प्रेशर में कुछ डिस्कस हम लोग किए भी, फ्रिक्शन ही एक फोर्स है, ठीक है। कौन सा फोर्स है चलो समझते हैं। देखोगे फ्रिक्शन, चैप्टर का नाम हो सकता है कुछ कुछ रूप में ऐसा भी दिया हुआ, फ्रिक्शन फ्रेंड एंड फो। मतलब फ्रिक्शन जो है कहीं कहीं पे हमारे लिए फ्रेंड का भी काम करता है, मतलब हमारे लिए हेल्पफुल होता है, और कहीं कहीं पे क्या है हमारे लिए हार्मफुल, ठीक है। तो फ्रिक्शन ये दोनों है, कहीं कहीं पे ये हमारे लिए हेल्पफुल है, तो कहीं कहीं पे ये हार्मफुल। हेल्पफुल का है, जैसे देखो हम लोग यदि जमीन में कोई सरफेस में यदि चल पाते हैं, यदि चल पा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ किस कारण से चल पा रहे हैं, फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन यदि कम हो जाए या फिर खत्म हो जाए, ठीक है, तो हम लोग चल नहीं पाएंगे। जैसे मान लो कि अचानक हम लोग का पैर क्या होता है, कोई केले के छिलके पे पड़ जाता है, तो क्या होता है वहां पे इतना स्मूथ हो जाता है, फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता है, तो हम लोग फिसल के गिर जाते हैं, ठीक है। yes, कारण है, मान लो कि ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड में क्या कर रहे हो, चौक से मान लो कि कोई टीचर कोई सर या आप लिख रहे हो, फ्रिक्शन के ही कारण क्या है वो लिख पा रहे हो। पेंसिल से, पेंसिल से यदि आप कोई पेपर में लिख पा रहे हो या पेन से भी, तो फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन यदि नहीं होगा तो वो आप लिख भी नहीं सकते हो, है ना। अब देखो क्या कर रहे हो, ठीक है। देखिए तो फ्रिक्शन हेल्पफुल है, ठीक है, कोई कोई जगह पे हार्मफुल। हार्मफुल इफेक्ट में क्या, जैसे यदि हम लोग बात करें फ्रिक्शन एक्ट करता है, उसी के कारण क्या है, टायर जो है साइकिल का टायर हो या फिर बाइक का टायर हो या फिर फोर व्हीलर का टायर हो, कोई भी व्हीकल का जो टायर है, फ्रिक्शन के ही कारण क्या होता है, उसका वियर एंड टियर होता है, मतलब क्या रगड़ाता है, रगड़ाने से क्या होता है, हमको चेंज करना पड़ता है। फ्रिक्शन के ही कारण जो मशीन पार्ट्स वगैरह में हीट प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, कभी कभी आग भी पकड़ लेता है। फ्रिक्शन के ही कारण क्या होता है कि मशीन पार्ट्स जो होता है वो क्या होता है, रब कर जाता है, रगड़ा जाता है, तो बार बार चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन हमारे लिए क्या है, एक फो की तरह है, मतलब दुश्मन की तरह, ठीक है। तो चलो हम लोग समझते हैं कि फ्रिक्शन है क्या, ठीक है। तो देखोगे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो है एक अपोजिशन फोर्स है, फ्रिक्शन एक अपोजिशन फोर्स है जो अपोज करता है, किसको अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को, रिलेटिव मोशन को। गौर करना, इसका डेफिनेशन हम लिखा रहे हैं, सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते रहे और एक एक टर्म का, एक एक वर्ड का हम लोग मीनिंग समझते हैं, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है, ठीक है, तो अच्छे से समझते हैं इसको, क्योंकि फ्रिक्शन चलता ही है, फ्रिक्शन टर्म को ही जब अच्छे से नहीं समझेंगे तो गड़बड़। तो फ्रिक्शन डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, उसके बाद आप देखोगे
देखोगे फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन रिलेटिव मोशन, मतलब एक टर्म हमको समझना होगा, हम लोग को समझना होगा रिलेटिव मोशन क्या है। द अपोजिशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉन्टैक्ट सरफेस विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। देखो क्या है रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन का मतलब क्या कि एक ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में दूसरे का कुछ अलग स्पीड होना चाहिए ऑब्जेक्ट, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है रिलेटिव मोशन में। जैसे ध्यान देना, यदि हम बोलेंगे कि एक कार है, एक कार है 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और एक दूसरा इस कार का नाम है ए, और एक दूसरा भी कार है जो सेम स्पीड से मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड, तो रिलेटिव मोशन यहां पे बोलेंगे कि क्या कार बी का ए के रेस्पेक्ट में कोई स्पीड है। स्पीड का मतलब क्या, स्पीड का मतलब क्या, यदि हम लोग जब भी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं स्पीड, जब भी हम लोग बात करते हैं कि हम कोई एक कार है 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, मतलब 1 आवर में वो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका है, मतलब एक जगह से इतना दूर पहुंच गया, 40 किलोमीटर तक का दूरी वो कवर चुका है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चले। और यहाँ जब हम देख रहे हैं मतलब एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का पोजिशन चेंज हो रहा है, ठीक है स्पीड हम लोग ये देखते हैं, लेकिन जब हम लोग कंपेयर करने लगते हैं एक ऑब्जेक्ट और दूसरे के रेस्पेक्ट, ठीक है, तो ध्यान देना, मान लो कि एक कार या फिर कोई एक आदमी है, ये आदमी रुका हुआ है, तो इस रुके हुए आदमी के रेस्पेक्ट में इसका स्पीड है रिलेटिव मोशन है, इस रुके हुए आदमी के रेस्पेक्ट में इसका कार ए का भी स्पीड है, तो हम बोलेंगे इट हैज रिलेटिव मोशन, और किसके रेस्पेक्ट में, आदमी के रेस्पेक्ट में विथ रेस्पेक्ट टू द मैन, कार बी का भी कुछ स्पीड है इस आदमी के रेस्पेक्ट में, लेकिन यदि हम लोग बात करें कि कार ए 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, कार बी भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, अब हम बोलेंगे क्या इसमें रिलेटिव मोशन है, बोलेंगे नहीं, रिलेटिव का मतलब क्या कि इसके कंपैरिजन में दूसरे का स्पीड, क्योंकि मान लो कि एक सेकंड में ये कार ए 10 मीटर पहुंच गया, मतलब यहां पे पहुंच गया, तो ये दूसरा कार भी तो वो 10 मीटर आगे बढ़ चुका है ना, मतलब पहले जितना डिस्टेंस था इसके बीच अभी भी उतना ही डिस्टेंस, मतलब यदि दोनों का कंपेयर करें तो उसमें कोई पोजीशन, दोनों का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कोई पोजीशन चेंज नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे यदि सेम स्पीड है तो हम बोलेंगे कि रिलेटिव मोशन नहीं, ठीक है। और रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है, रिलेटिव मोशन का मीनिंग क्या होता है कि एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का अलग स्पीड, ठीक है, तो ये समझ पाए इसमें किसी को दिक्कत, रिलेटिव मोशन किसको बोलते हैं, नो सर, ठीक है। अब देखो क्या दिया गया है कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन रिलेटिव मोशन, और यहाँ पे ये भी आप मेंशन कर सकते हो, कॉन्टैक्ट सरफेस तो बाद में लिखे ही है, इन कॉन्टैक्ट, When two objects in contact are in relative motion, दो ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में, और यदि दोनों में रिलेटिव मोशन है, मतलब एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का अलग स्पीड है, तो कॉन्टेक्ट सरफेस पे एक फोर्स लगता है, कॉन्टेक्ट सरफेस पे एक फोर्स लगता है जो रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद डेफिनेशन आप अच्छे से समझोगे। देखोगे सपोज कोई एक एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये एक सरफेस है और इसके ऊपर हम एक ऑब्जेक्ट को रखे हैं, मान लो कि एक लकड़ी का टुकड़ा मान के चलते हैं, ठीक है कि ये एक अ पीस ऑफ वुड, एक लकड़ी का टुकड़ा है एक सरफेस पे, एक दूसरे लकड़ी के टुकड़े पर मान लो कि रखे हुए हैं, यदि हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट को हम इस तरह से मूव करा रहे हैं,
मतलब मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड से दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट में है, दोनों कॉन्टेक्ट में है, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता है। लेकिन ये दोनों ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट में है, एक ऑब्जेक्ट ये दूसरा ऑब्जेक्ट, यदि ऐसा है कि ये रुका हुआ है, मतलब कि ये टेबल का टॉप है और ये ऑब्जेक्ट इस पर मूव कर रहा है, मतलब क्या है, दो सरफेसेस है, दो सरफेसेस के बीच रिलेटिव मोशन, दो सरफेस के बीच क्या है, रिलेटिव मोशन है, और दो सरफेस क्या है, कॉन्टेक्ट में, एक सरफेस इसका ये दूसरा सरफेस, मान लीजिए जो कॉन्टेक्ट सरफेस है, तो दो सरफेसेस कॉन्टेक्ट में है और इसमें रिलेटिव मोशन है, मान लो कि टेबल रुका हुआ है और इसके ऊपर जो है एक वुड है, तो पीस ऑफ वुड उसको हम मूव करा रहे हैं, मतलब क्या, रिलेटिव मोशन है, इसका स्पीड जीरो है, इसका स्पीड मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड, तो क्या होता है जब ये आगे की ओर बढ़ रहा है, मतलब रिलेटिव मोशन है, ये आगे की ओर बढ़ रहा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन, हम मोशन नहीं बोल रहे, रिलेटिव मोशन बोल रहे, रिलेटिव मोशन मतलब ये रुका है, ये चल रहा है, तो रिलेटिव मोशन की तरह हुआ आगे की ओर, तो हम बोलेंगे रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, और इसी अपोजिशनल फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं, इसी अपोजिशनल फोर्स को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। सर और बार समझाइएगा, नहीं समझ आया इसका, हम लोग फ्रिक्शन को इस तरह से भी फील कर सकते हैं, मान लो ये टेबल का टॉप है, टेबल का टॉप है, ऊपर वाला सरफेस है, इसके ऊपर हम क्या किए हैं, एक ऑब्जेक्ट को, या फिर आप एज्यूम करो कि आपका बुक, बुक ही इसी तरह से पड़ा हुआ है ना, बुक पड़ा हुआ है, ठीक है, आप क्या करते हो कि टेबल पर जो बुक है, ठीक है, रेस्ट में है, आप उसको मूव कराना चाहते हो, मूव करा रहे हो, इसका मतलब क्या है, सरफेस रुका हुआ है और उसको आप मूव करा रहे हो, मतलब रिलेटिव मोशन क्रिएट करना चाहते हो, तो बाय द वे आप थोड़ा सा फोर्स लगाए, मान लो कि 2 न्यूटन का, 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, मूव नहीं किया, तो आप क्या करते हो, फोर्स थोड़ा अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते हो, 3 न्यूटन का फोर्स लगाते हो, बाय द वे अभी भी मूव नहीं किया, मतलब कि मोटा बुक है, मूव नहीं किया, क्या करते हो, और ज्यादा फोर्स लगाते हो, 10 न्यूटन, ठीक है, नहीं मूव किया तो और ज्यादा फोर्स लगाए, सपोज 5 न्यूटन, अब पा रहे हैं कि 5 न्यूटन फोर्स लगाने से ये क्या है, मूव करने लगा, आगे की ओर बढ़ने लगा। अच्छा ये बताओ, आप यहाँ पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाए थे और ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं किया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स जो है, अप्लाइड फोर्स या 2 न्यूटन का जो फोर्स है, अप्लाइड फोर्स के कारण ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया, इसका सीधा मतलब क्या है कि ये बैलेंस फोर्सेस के ही कारण क्या होता है, मोशन क्रिएट नहीं होता है, मतलब यहाँ पे 2 न्यूटन का फोर्स लगा है, कंफर्म है कि अपोजिट डायरेक्शन में भी 2 न्यूटन का फोर्स लगा होगा, जिस कारण से दोनों फोर्स क्या हुआ, बैलेंस हो गया, तो यहाँ से आप 2 न्यूटन लगा रहे हो, ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया, मतलब उधर से भी कोई 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अपोजिशन फोर्स लग रहा है, वही 2 न्यूटन का अपोजिशनल फोर्स को क्या बोलोगे, फ्रिक्शन। आप अप्लाइड फोर्स को बढ़ाए, 3 न्यूटन कर दिए, इधर से 3 न्यूटन लगाया तो भाई अभी भी मूव नहीं किया, मतलब उधर से भी कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 3 न्यूटन, ठीक है, मतलब ध्यान देना, फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू अभी नहीं देख पा रहे, 2 न्यूटन लगा है तो उधर से भी लगा 2 न्यूटन, इधर से 3 न्यूटन लगा रहे तो उधर से भी 3 न्यूटन लगा, जिस कारण से अभी भी रुका है, 4 न्यूटन लगाया तो भी मूव नहीं किया, इसका मतलब क्या, अप्लाइड फोर्स को फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है, मतलब फ्रिक्शन अब कितना लग रहा है, 4 न्यूटन, मान लो फोर्स थोड़ा ज्यादा लगा दिए तो हम पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मूव करने लगा, फोर्स से ज्यादा थोड़ा लगाए या 5 यदि लगा दिए तो हम पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मूव करने लगा, मतलब यहाँ पे अप्लाइड फोर्स को जो बैलेंस कर रहा था, अप्लाइड फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा था, फ्रिक्शन। अब एक्ट करता है जब दो कॉन्टेक्ट सर्फेसेस हो, ठीक है, या दो ऑब्जेक्ट हो जिसका जो हमेशा कॉन्टेक्ट में है और दोनों के बीच रिलेटिव मोशन है, मतलब एक रुका हुआ है दूसरा चल रहा है,
ऐसा भी हो सकता है कि दोनों चल रहा है लेकिन अलग अलग स्पीड से, एक ज्यादा स्पीड से चल रहा है और एक धीमा चल रहा है, तो भी फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो जब ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच रिलेटिव मोशन होता है तो कॉन्टेक्ट सर्फेस पे क्या होता है, एक अपोजिशनल फोर्स एक्ट करता है। अपोजिशनल मतलब ये किसको अपोज करता है, मोशन को नहीं। क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछता है क्या फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, नहीं, किसको अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। जैसे मोशन को कैसे, मोशन को अपोज नहीं करता है, ये एग्जांपल आप देख लो, ध्यान देना। यदि हम बोलेंगे कि ये एक सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड, तो क्या यहाँ पे इसके कॉन्टेक्ट सर्फेस पे क्या फ्रिक्शन एक्ट करता है, नहीं करता है। लेकिन जब हम ये रुका हुआ है, ये जब चलना चाहता है, मूव करना चाहता है, तभी क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। मतलब ये मूव करना चाहेगा, यदि हम फोर्स लगा रहे हैं, मूव नहीं किया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और फोर्स लगाए तब वो मूव करना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो दोनों यदि एक साथ जाएगा, मोशन यदि है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों मोशन में रहेगा, फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता है, अपोजिट नहीं, अपोज नहीं करता है। लेकिन जब रिलेटिव मोशन होगा, एक सर्फेस रुका हुआ दूसरा यदि मूव करना चाहेगा, तभी क्या होता है, फ्रिक्शन एक्ट करता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन, दो ऑब्जेक्ट जब कॉन्टेक्ट में हो या दो सर्फेसेस जब कॉन्टेक्ट में हो तो कॉन्टेक्ट सर्फेस पे फ्रिक्शन एक्ट करता है, और फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, अपोजिशनल फोर्स, किसको अपोज करता है, रिलेटिव मोशन। और कब एक्ट करता है, जब दो ऑब्जेक्ट में रिलेटिव मोशन हो तब एक्ट करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या लिखा है, करना इसमें एक वर्ड टेंजेंशियल वर्ड भी जोड़ता है, तो वो नहीं ऐड किए हैं क्योंकि वो आगे चल के पढ़ोगे वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डेफिनेशन, आप यही तक आप जानो काफी है। सर, टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टेक्ट आर इन रिलेटिव मोशन, जब दो ऑब्जेक्ट जो कॉन्टेक्ट में है और रिलेटिव मोशन में, मतलब एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का कुछ स्पीड है या स्पीड गेन करना चाहते हैं, तभी फ्रिक्शन एक्ट करता है, एक अपोजिशनल फोर्स एक्ट करता है। द अपोजिशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉन्टेक्ट सरफेस व्हिच अपोजेस द रिलेटिव मोशन, जो क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, इसी को क्या बोलेंगे, रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसी को क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड फ्रिक्शन, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन मोशन, ठीक है। देखो इसमें आपको डाउट है पूछना, इसका हम रीजन समझा देते हैं कि फ्रिक्शन का रीजन कॉज क्या है। जब रीजन आप समझोगे तो हो सकता है डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ जाओगे आप। अच्छा बताओगे फ्रिक्शन इसका एसआई यूनिट क्या होगा, बोलोगे तो समवन, एनीवन से, सर न्यूटन, न्यूटन, गुड, क्योंकि सर डेफिनेशन में आ ही गया है, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन, ध्यान रखना, चलो लिख भी देते हैं, इसका एसआई यूनिट इज सर न्यूटन, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, चलो हम यहाँ पे लिखा देते हैं क्योंकि नोट्स के भी रूप में आपका रहेगा इसके, और टाइप्स ऑफ न्यूटन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन हम बताते जाएंगे, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, एक आपका हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा है स्लाइडिंग, तीसरा है रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और इसमें एक ऐड करता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, हम समझाएंगे एक एक करके। सर फ्रिक्शन का डेफिनेशन में मेरा बुक में टेंजेंशियल नाम का एक टेंजेंशियल डायरेक्शन दिया हुआ है, उसका मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन, यस सर। अच्छा चलो ठीक है, आपके बुक में दे दिया तो वो भी बोले टेंजेंशियल।
पढ़ोगे देखो कि टेंजेंट का मतलब क्या होता है, कोई एक सर्कल है ना, कोई एक सर्कल है या कोई यदि कर्व भी यदि हो, हम लोग एक सर्कल का एग्जांपल लेते हैं, तो कोई एक सर्कल है यदि कोई एक पॉइंट को टच करके कोई लाइन निकल रहा है, कोई एक लाइन है जो सर्कल के एक पॉइंट को टच करके निकल रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। ठीक है, तो जैसे हम बोलेंगे कि ये एक सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, दूसरा ऑब्जेक्ट, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है इसी के टेंजेंट की ओर, ऑब्जेक्ट यदि आगे की ओर मूव कर रहा है तो ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है बिल्कुल इसी टेंजेंट की ओर, मतलब सरफेस को टच करते हुए, जैसे ऐसा नहीं कि ऊपर की ओर जाएगा नीचे की, फ्रिक्शन का डायरेक्शन बोला कि भाई फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, ऊपर नहीं नीचे नहीं, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है आगे की ओर तो टेंजेंशियल डायरेक्शन मतलब उसी का अपोजिशनल फोर्स है तो पीछे की ओर एक्ट करेगा और कॉन्टेक्ट बिल्कुल टच करता हुआ पीछे की ओर एक्ट करेगा, इसीलिए एक वर्ड यूज किया गया क्या, टेंजेंशियल। क्लियर? यस सर। नो सर। कॉन्टेक्ट दे दिया गया क्या उसका डायरेक्शन, ध्यान देना। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये चार चार टाइप के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले चलो हम लोग जान लेते हैं रीजन ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड फ्रिक्शन। ठीक है, ये फ्रिक्शन का क्या रीजन है, देखो ध्यान देना, जो भी सरफेस है यहाँ पे हम बोले कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टेक्ट, जो ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं वो रफ ऑब्जेक्ट होता है, रफनेस होता है सरफेस, रफनेस है तभी फ्रिक्शन एक्ट करता है, रफनेस नहीं रहेगा बिल्कुल स्मूथ सरफेस रहेगा, बिल्कुल प्योर स्मूथ रहेगा तो फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता है, हालांकि प्योर 100% स्मूथ काफी स्मूथ सरफेस संभव नहीं है, आप पाओगे कि जो शीशा है ग्लास, ठीक है, जैसे आप देखते हो ठीक है, छूने में लगता है काफी स्मूथ लगता है लेकिन उसमें भी रफनेस है, मतलब इरेगुलरिटी है, छोटा छोटा गड्ढा है उसमें भी है, मैग्नीफाइंग पावर से यदि आप देखोगे माइक्रोस्कोप से देखोगे तो पाओगे इरेगुलरिटीज है। ठीक है, तो चलो हम लोग बात करते हैं कि कोई भी दो सर्फेसेस के बीच जो फ्रिक्शन एक्ट करता है वो किस तरह का सर्फेस होता है, वो रफ सर्फेसेस होता है, तो कोई भी दो सर्फेसेस के बीच जो रफनेस होता है दैट इज इरेगुलरिटीज होता है उसमें, इस तरह का एक सर्फेस यदि ऐसा है और दूसरा सर्फेस इस ढंग का, दो सर्फेसेस है तो रफनेस के कारण क्या होता है कि जब ये मूव करता है तो ये इरेगुलरिटीज क्या करता है, इंटरलॉक हो जाता है, इस कारण से ही एक ऑपोजिशनल फोर्स एक्ट करता है, समझो इसको हम समझा रहे हैं। देखो हमारा जो फिस्ट है, देखोगे ये फिस्ट, ये आप देख सकते हो ये उबड़ खाबड़ कुछ है ना इस तरह से, यस सर, यस सर, यस सर, है सर, ऊपर है नीचे है, चलो ये भी जो फिस्ट है ये भी उबड़ खाबड़ है, चलो इस तरह का यदि इस तरह से हम यदि रखते हैं, देखोगे इस तरह से ये पूरी अच्छी तरह से बैठ गया है, ठीक है, अब यदि हम मूव करा रहे हैं, चलो एक को हम रोके हुए हैं, एक फिस्ट को रोके हुए हैं, दूसरे को मूव करा रहे हैं, मतलब रिलेटिव मोशन क्रिएट कर रहे हैं, एक रेस्ट में है और दूसरा मोशन मोशन में, मोशन जब हम क्रिएट कर रहे हैं दोनों सर्फेसेस कॉन्टेक्ट में है, रफ सर्फेसेस है, तो जब यहाँ पे मूव करा रहे हैं तो मूव कराने का आसानी से तुरंत मूव नहीं होता है, जिस तरह से यहाँ पे तुरंत मूव हो गया यहाँ पे तुरंत मूव नहीं होता है, हम पा रहे हैं कि फोर्स लगा रहे मूव नहीं हो रहा है, मतलब क्या है, फोर्स जब लगा रहे हैं रिलेटिव मोशन क्रिएट करना चाह रहे हैं कि भाई फोर्स लगा रहे हैं एक सरफेस आगे बढ़े, नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रफनेस है इरेगुलरिटीज है, एक को यदि हम मूव कराना चाह रहे हैं तो इस इरेगुलरिटीज में क्या होता है वो फंस जा रहा है, इंटरलॉक हो जा रहा है, और यही इंटरलॉकिंग के कारण क्या है कि भाई ये जो सरफेस है सपोज ये सरफेस आगे की ओर जाना चाह रहा है लेकिन इंटरलॉकिंग के कारण क्या है, अपोजिशनल फोर्स लग रहा है किधर की ओर, फोर्स लग रहा है किधर, पीछे की ओर,
इरेगुलरिटीज और रफनेस ऑन द सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन वन सर्फेस मूव ओवर अनदर दे गेट द इरेगुलरिटीज present over the surfaces get interlocked due to which an oppositional force act on the contact surface which is known as friction jo kis naam se jana jata hai friction ke naam se theek hai to yahi karan hai friction ab bataoge yahan tak mein kahin kahin ko jaldi dikkat hai abhi hum samjhaye friction ka definition samjhaye टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन सिर्फ लिखाए हैं ये हम समझाएंगे क्या है अभी हम बताए कॉज ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शन के डेफिनेशन में किसी को दिक्कत हो तो बोलोगे एक बार आराम से पढ़ लो डेफिनेशन जो हम लिखाए हुए हैं ठीक है उसके बाद अभी स्क्रीनशॉट ले लो उसके बाद तो पूरा इरेज करेंगे फिर आगे हम बताएंगे स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से इसको पढ़ो एक बार डेफिनेशन को कहीं यदि दिक्कत है तो बोलोगे कॉज भी लिख देते हैं हम लिखवा देते हैं अभी हम ले लिए सर ठीक है सर कॉज ऑफ फ्रिक्शन यस सर ले लिए गुड पूछने का है समझ गए हो आप एक एक चीज डेफिनेशन का एक एक पार्ट समझ गए हो यस सर ठीक है यस सर यस सर कॉज ऑफ फ्रिक्शन अभी लिखवाइएगा ठीक है इसको हम मिटा रहे हैं है ना अब देखो ध्यान देना स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है रोलिंग फ्रिक्शन फ्रिक्शन क्या है ये समझो स्टैटिक फ्रिक्शन अभी एक एग्जांपल हम उठाए थे ठीक है बोले हुए थे कि सपोज टेबल का टॉप है ये इसके ऊपर में हम क्या किए हैं बुक रखे हैं ठीक है बुक इस तरह से पड़ा हुआ है बुक इस तरह से पड़ा हुआ है और हम क्या किए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं टू मूव दिस बुक बुक को मूव कराने के लिए क्या कर रहे हैं फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अभी हम कुछ एग्जांपल इस तरह से लिए थे कि 2 न्यूटन का फोर्स लगाया मूव नहीं किया 3 न्यूटन का लगाया मूव नहीं किया 4 न्यूटन लगाया मूव नहीं किया 5 में किया 4 न्यूटन से थोड़ा ज्यादा फोर्स यदि लगा देते हैं मान लीजिए 4.1 तो हम पा रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट हो जाएगा 4.1 लगाइए 5 न्यूटन उससे ज्यादा लगा दिए ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट हो गया अब देखो मतलब ऑब्जेक्ट जब रुका हुआ है इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं अब फोर्स लगा रहे हैं 1 न्यूटन लगाए नहीं मूव किया 2 न्यूटन लगाए नहीं मूव किया बढ़ाते गए तो ऑब्जेक्ट 2 न्यूटन का फोर्स लगाया मूव नहीं किया क्यों क्योंकि ऑपोजिशनल फोर्स उधर से फ्रिक्शन एक्ट किया कितना 2 न्यूटन 3 न्यूटन का लगाया अभी भी मूव नहीं किया क्यों उधर से फ्रिक्शन लग रहा है कितना 3 न्यूटन मतलब मैक्सिमम कितना न्यूटन तक का फोर्स लगा 4 न्यूटन और जब 4 न्यूटन से ज्यादा फोर्स हम लगा दिए मतलब फ्रिक्शन का भी एक मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन का भी एक मैक्सिमम वैल्यू है अब जब 4 न्यूटन तो ऑब्जेक्ट क्या होता है मूव करने लगता है क्योंकि मान लो कि उधर से फोर्स 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और इधर से हम 4 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगा दिए मतलब अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा अनबैलेंस फोर्स क्या करता है मोशन क्रिएट करता है या चेंज मोशन तो एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ था अनबैलेंस फोर्स है अब तो वो मूव करेगा क्योंकि उधर से 4 न्यूटन है और इधर से हम 5 न्यूटन लगा दिए मतलब एडिशनल 1 न्यूटन लग चुका है तो वो 1 न्यूटन फोर्स क्या करेगा ऑब्जेक्ट को मूव कराएगा तो यहाँ पे जो हम लोग देखे हैं कि भाई ऑब्जेक्ट रुका हुआ था फोर्स लगा रहा है और उधर से ऑपोजिशनल फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो भाई रुका हुआ है तब भी तो फ्रिक्शन लग रहा है ना तो रुके हुए
ऑब्जेक्ट जब स्टेटिक स्टेट में है, स्टेटिक मतलब रुका हुआ, ठीक है, ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में है और उस समय जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटिक फ्रिक्शन। ये जो फ्रिक्शन है, ये जो फ्रिक्शन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेटिक फ्रिक्शन। करना इसमें और एक पॉइंट हम समझा रहे हैं, स्टेटिक इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टेटिक फ्रिक्शन जो होता है वह सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, मतलब स्टेटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना देखे इस एग्जांपल में 4 न्यूटन। तो क्या कभी ऐसा हुआ क्या कि भाई मैक्सिमम वैल्यू 4 न्यूटन लगेगा, यदि हम इधर से 1 न्यूटन का फोर्स लगाए और ये 4 न्यूटन का फोर्स उधर से लग गया, ऐसा नहीं होता है। हम यदि 1 न्यूटन लगाए उधर से भी 1 न्यूटन, 2 न्यूटन लगाए तो उधर से भी 2 न्यूटन ही लगा, 4 न्यूटन लगाए तो उधर से भी 4 न्यूटन ही लगा, मतलब स्टेटिक फ्रिक्शन क्या हो रहा है, खुद को एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। जितना हम अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही स्टेटिक फ्रिक्शन होगा। ये ध्यान रखें, क्वेश्चन कभी कभी ये दे देगा कि कोई एक ऑब्जेक्ट है उस पर हम 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं और ऑब्जेक्ट रुका ही है, तो स्टेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, तो बोलेंगे 10 न्यूटन, ठीक है। फिर यदि बोलेगा कि नहीं, हम यदि हम 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं तो कितना होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, तो बोलेंगे 2 न्यूटन। फ्रिक्शन जो होता है वो 10 न्यूटन होगा सर, जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। क्लियर है ये? यस सर क्लियर है। यस सर, कि ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में है उस समय जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट हो गया मतलब क्या, सरफेस के ऊपर ये स्लाइड कर रहा है, मतलब अब उस समय भी फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, उस समय जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। हालांकि आगे जब हम और आगे बढ़ेंगे टॉपिक में तब हम ये बताएंगे, एक क्वेश्चन भी आता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, व्हाई। चलो हम अभी जस्ट बता रहे हैं, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका आंसर हम देते हैं। और ऑब्जेक्ट यदि रोल कर रहा है मतलब क्या है, कि कोई एक व्हील है, व्हील आप सरफेस में और सरफेस में मान लो कि लुढ़का रहे हो, इस तरह से रोल करते हुए जाता है, ठीक है। एक लकड़ी का लट्ठा ही यदि है, अ लॉग ऑफ वुड यदि है इस तरह का है, इसको यदि आप रोल कर रहे हैं मतलब पुश कर रहे हैं, तो इस तरह से रोल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो उस समय भी कॉन्टेक्ट सरफेस पर फ्रिक्शन एक्ट करता है, तो वहां पे जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है दूसरे सरफेस के ऊपर, उस समय जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है सरफेस पे वहां पे भी फ्रिक्शन एक्ट करता है, उसको बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं जो मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे जैसे देखे 2 न्यूटन 3 न्यूटन मैक्सिमम वैल्यू कितना एक्ट किया, मैक्सिमम जो फ्रिक्शन एक्ट किया वो 4 न्यूटन, इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो एक्चुअल में लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का ही मैक्सिमम वैल्यू है, ये कोई नया फ्रिक्शन नहीं है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन का ही मैक्सिमम वैल्यू है, इसलिए कुछ कुछ बुक में 3 ही फ्रिक्शन देता है, ठीक है, लिमिटिंग नहीं देता है। कोई कोई बुक में 2 भी दे देता है, क्या 2 देता है देखोगे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, सब हम समझा दे रहे हैं। एक बोलता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा बोलता है डायनेमिक फ्रिक्शन, ठीक है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा क्या बोलता है, डायनेमिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब रुका हुआ और डायनेमिक का मतलब क्या, कि भाई जो मोशन में, तो मोशन में 2 तरह का मोशन हो सकता है, एक स्लाइडिंग और एक क्या, रोलिंग, ठीक है, तो ये भी आपका हो सकता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सर स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो आप बताइए ना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या, जैसे अभी हम बोले कि सरफेस के कोई एक मान लो कि एक टेबल का टॉप है, ठीक है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट को रखे हुए हैं, फोर्स लगाए मूव नहीं किया, और ज्यादा बढ़ाए मूव नहीं किया, लेकिन जब फोर्स बढ़ा दिए और मूव करना स्टार्ट करेंगे, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तब फ्रिक्शन एक्ट करता है कि बिल्कुल फ्रिक्शन खत्म हो जाता है, ये बताओ,
तब भी फ्रिक्शन एक्ट करता है जब ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, मतलब मूव हो रहा है, तो उस समय जो फ्रिक्शन एक्ट करता है उसका नाम क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, समझे? यस सर। यस सर। स्लाइड कर रहा है एक सरफेस पर और उस समय जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अच्छा देखो, फोर्स हम लिख दे रहे हैं इसको मिटा के, और उसके बाद एक टर्म हम सब चलो समझाते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम क्यों होता है, वो चलो समझते हैं। फोर्स, यस सर। यस सर। सर आपका माइक ऑफ है। यस सर। यस सर। एक मिनट, देखो व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन है, तो हम क्या बोले कॉज क्या है, फ्रिक्शन का कॉज क्या है, तो फ्रिक्शन एक्ट करता है दो रफ सर्फेसेस के बीच, और रफ सरफेस होने के कारण क्या होता है, जो इररेगुलरिटीज है, तो इररेगुलरिटीज के ही कारण क्या होता है, वो इंटरलॉक हो जाता है कि एक रुका हुआ मूव करना चाह रहा है तो इंटरलॉक हो जा रहा है। यस सर। राइट सर। इस कारण से क्या होता है, एक अपोजिशनल फोर्स एक्ट करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलो वही हम लिख देते हैं। यस सर। यस सर। एक्ट on the contact surfaces, contact surface, when two rough surfaces are in relative motion. Due to presence of irregularities over the surface. These irregularities get interlocked when one surface moves over the other. Hence, an oppositional force acts called friction. ठीक है, यही है, पढ़ लो इसको एक बार, जो अभी हम समझाए बिल्कुल वही है, लैंग्वेज समझ रहे हो कि नहीं देख लीजिए, और ये फिगर जरूर बनाओगे,
बुक में भी इस तरह का फिगर दिया होता है कि एक सरफेस जो इरेगुलरिटीज है, एक दूसरा सरफेस है इसमें भी इरेगुलरिटीज है, और यही क्या होता है? यस सर है। लैंग्वेज पढ़ोगे कहीं पे समझ में नहीं आ रहा तो बोलोगे, क्या लिखा है? फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द कॉन्टेक्ट सरफेस, कॉन्टेक्ट सरफेस पे एक्ट करता है व्हेन टू रफ सरफेसेस आर इन रिलेटिव मोशन। किस कारण से एक्ट करता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इरेगुलरिटीज ओवर द सरफेसेस कि दोनों सरफेस पे इरेगुलरिटीज होते हैं। दिस इरेगुलरिटीज गेट इंटरलॉक, यही इरेगुलरिटीज क्या होता है? जाम हो जाता है, इंटरलॉक हो जाता है। गेट इंटरलॉक व्हेन वन सरफेस मूव ओवर द अदर, जब एक के ऊपर दूसरा सरफेस मूव कर रहा है मतलब रिलेटिव मोशन आ रहा है। हेंस एन अपोजिशनल फोर्स एक्ट्स कॉल्ड फ्रिक्शन, इसलिए एक अपोजिशनल फोर्स एक्ट करता है और इस अपोजिशनल फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है? Yes, sir. देता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस yes, sir. फ्रिक्शन, why? ठीक है, ये क्वेश्चन भी समझा दे रहे हैं और लिखा भी दे रहे हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, why? Y चलो ऊपर लिखे हुए हैं, देखोगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, क्यों? देखो सिचुएशन क्या है, अभी तो हम बात की है कि एक ऑब्जेक्ट है, जैसे हम एग्जांपल समझा रहे थे उसी एग्जांपल को बार बार ले रहे हैं। समझो कि टेबल का टॉप है, इसके ऊपर बुक रखे हुए हैं, 2 न्यूटन का फोर्स लगा है, मूव नहीं किया, स्टैटिक फ्रिक्शन 2 न्यूटन लग रहा है, 3 न्यूटन लगा है, स्टैटिक फ्रिक्शन अभी भी 3 न्यूटन, 4 न्यूटन लगा है, उधर से अभी भी 4 न्यूटन लग गया, मतलब मैक्सिमम कितना फोर्स लग सकता है फ्रिक्शन का? 4 न्यूटन, उसको बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब 4 न्यूटन से जैसे ही ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं, मान लो कि 4.1 न्यूटन, अब अप्लाइड फोर्स है 4.1 न्यूटन, जैसे ही हम 4.1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, ये मूव करना स्टार्ट किया, लेकिन फ्रिक्शन उधर से जो है वो मैक्सिमम जो था 4 न्यूटन वो उतना नहीं देता है, हो सकता है उससे थोड़ा कम लग रहा है, 3.5 लग रहा है या 3 न्यूटन लग रहा है। मतलब जब ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट हो जाता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है कितना? 4 न्यूटन। हम इधर से मान लो कि 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिए तो फ्रिक्शन तो लग रहा है, लेकिन उधर से मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता था 4 न्यूटन, लेकिन 4 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन नहीं लगता है, उससे थोड़ा कम लगता है, हो सकता है 3 न्यूटन लग रहा है। क्यों? मतलब जब ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट हो गया, अभी जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको तो बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और यह स्लाइड जब कर रहा है उस समय फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू से कम है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है। क्यों कम है? देखो जब एक बार जब ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर जाता है, मान लो कि जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट हो गया, तो ये जो है, ये जो इरेगुलरिटीज है, इरेगुलरिटीज को पूरी तरह से पैक होने के लिए, इंटरलॉक होने के लिए उतना टाइम नहीं मिलता है। जैसे मान लो कि अभी मान लो कि हम 2 न्यूटन फोर्स लगाए मूव नहीं किया, 3 न्यूटन लगाए नहीं मूव किया, 4 न्यूटन लगाया नहीं मूव किया, 4.1 लगाया मूव करना स्टार्ट। अब देखो 4.1 या 5 न्यूटन लगाया मूव करना स्टार्ट हो गया, अब मूव करना जब स्टार्ट हो गया तब उतना उसको टाइम मिलेगा कि वह इंटरलॉक होगा, मतलब पूरी तरह से ये धस नहीं रहा, या जब मूव करना स्टार्ट हुआ तो ये पूरा का पूरा इस तरह से इंटरलॉक होगा, पैक होगा, उतना टाइम नहीं मिल रहा है। ये मूव कर रहा है इसका मतलब क्या है? बहुत कम सरफेस को टच करके ये जा रहा है, मतलब जब स्लाइड करना स्टार्ट हो गया तो वो जो इंटरलॉकिंग, तो इंटरलॉक होने के लिए एक सरफेस को जो दूसरे सरफेस के साथ इंटरलॉक होता उतना टाइम उसको मिलता नहीं है। जब उतना इंटरलॉकिंग नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब क्या? अपोजिशनल फोर्स भी क्या होगा? कम एक्ट करेगा, पर अपोजिशनल फोर्स कम एक्ट कर रहा है मतलब फ्रिक्शन कम एक्ट कर रहा है। इसलिए क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर जाता है उस समय क्या होता है? कंपैरेटिवली कम फ्रिक्शन एक्ट करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम जितना था उसके कंपैरिजन में कम फ्रिक्शन एक्ट करता है। बस समझ गए ये? यस सर। यस सर।
ठीक है यस सर यस सर यस सर समझ गए बुक में मिल जाएगा When a surface starts moving over the another over the other surface they get very less time to get interlocked with the irregularities therefore less oppositional force acts hence अब आप क्वेश्चन रिपीट कर देना hence sliding friction is less than static friction static friction ये लिख लेना है स्पेस नहीं है sliding friction is less than static friction ठीक है समझ गए भाई ये yes sir ठीक है आज के क्लास है नेक्स्ट क्लास में यहां से कंटिन्यू करेंगे लेकिन आप फोर्स प्रेशर का क्वेश्चंस कुछ देंगे तो वो करके रखना और अपने बुक का भी क्वेश्चंस देखना जो दिक्कत होगा नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछोगे ठीक है यस सर Yes, sir. Is this all low? Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Kaliya, sir. Kaliya, sir. Kaliya, sir. Kaliya, sir. Very good.